मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते बागली विधानसभा में भी 5 फरवरी को विकास यात्रा प्रारंभ होगी, जिसको लेकर विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उक्त यात्रा के लिए विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक ली गई, जिसमें यात्रा संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे के अनुसार यात्रा बागली विधानसभा के नगर करनावद में भगवान कर्णेश्वर देव की पूजा अर्चना कर प्रारंभ की जाएगी। यात्रा बागली विधानसभा के लगभग 400 गांव का भ्रमण करेगी। इस दौरान सभी क्षेत्र के संबंधित अधिकारी कर्मचारी यात्रा में सम्मिलित होंगे। यात्रा को लेकर संपन्न हुई बैठक में एसडीएम शोभाराम सोलंकी, जनपद सीईओ प्रभांशु कुमार सिंह, तहसीलदार विवेक सोनकर, नायब तहसीलदार अनिता बरेठा की उपस्थिति में विधायक द्वारा सभी कर्मचारियों की बैठक ली गई, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शासन द्वारा जिस उद्देश्य को लेकर विकास यात्रा निकाली जा रही है वो उद्देश्य जमीनी स्तर पर पूरा होना चाहिए। सभी अधिकारी कर्मचारी यात्रा के दौरान सक्रियता से कार्य करें। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हाँ, आज मैंने पूरी जनपद के सचिव, सहायक सचिव और उनके वरिष्ठ अधिकारी तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम की मीटिंग जो अलग अलग मैंने ली है और उनको बताया है कि उनको स्वर्ण एक अवसर मिला है। उनको अपने अपने गांव, अपने अपने कस्बे में जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, उनने क्या अच्छा काम किया है एक बताने का अवसर मिला है, ताकि और जहाँ कमी है वो भी हम जानना चाहते हैं कि हमने किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में हमने कौन सा काम नहीं करा है, वो कैसा किया जाएगा, इसकी विस्तार में हमने मीटिंग ली है। और हम वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसका, और पारदर्शी काम करके दिखाएं और हमारे क्षेत्र का विकास का एक जो नारा है, हमारी सरकार का नारा है, वो पूरे प्रदेश में एक अलग बागली की पहचान बनाए, देवास ज़िले की पहचान बनाए, ऐसा मेरी सोच है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।